Please subscribe to my channel to get all recipes on cooking and don't forget to press the bell icon. Hello friends, welcome to Sandeep Priya's Kitchen. मैं हूँ वंदना प्रिया. आज मैं बनाने वाली हूँ चना मसाला राइस. ये बहुत ही टेस्टी है. प्लीज़ आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिए. ट्राई करने के बाद प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट पैन को गरम कीजिए, उसमें घी डालिए. अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल. हमारा ऑयल गरम हो चुका है. अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस. इसे हम 1 मिनट तक सौते होने देंगे. अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ जिंजर, चॉप किया हुआ गार्लिक. हम गार्लिक को ब्राउन होने तक भून लेंगे. ध्यान रहे गार्लिक जल ना जाए. अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन. हमें ऑनियन को ब्राउन होने तक पकाना है. ग्रीन चिली कि हमारा ऑनियन ब्राउन हो चुका है. अब हम इसमें डालेंगे टमाटोस. हम इसमें डालेंगे नमक. टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, चिल्ली पाउडर, गरम मसाला पाउडर. अब हम इसमें डालेंगे चना मसाला पाउडर. इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए. अब हम इसमें डालेंगे चना स्टॉक. इसे अच्छे से मिला लीजिए और ढक के 5-6 मिनट्स तक पकाइए. देखिए हमारा टमाटो सॉफ्ट हो चुका है. अब हम इसमें डालेंगे काला चना. इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए. इसे मिक्स करने के बाद इसे ढक के 1-2 मिनट तक पकाएंगे. देखिए हमारा चना मसाला अच्छा पक चुका है. अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स. इसे मिला लीजिए. अब हम इसमें डालेंगे कुक्ड बासमती राइस. चना मसाला को मैंने बासमती राइस चूज किया है. अगर आपको चाहिए तो आप रेगुलर राइस यूज कर सकते हैं. इसे अच्छे से मिला लीजिए. देखिए हमारा चना मसाला अच्छा सा मिक्स हो चुका है. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा और चना मसाला. इसे और अच्छा टेस्ट आएगा. और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए. इसे मिक्स करने के बाद सर्विंग बाउल में सर्व कर दीजिए. देखिए हमारा चना मसाला राइस रेडी हो चुका है. आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए. अब मैं इसे एंजॉय करने वाली हूँ. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.